बचकर प्रत्याशी है। आज मुझे आनंद है हो रहा है बताने में कि त्रिपुरा के विजय में और पश्चिम त्रिपुरा के लोकसभा सीट पर हमारी प्रत्याशी है बहन प्रतिमा भौमिक की। एक बार जरा तालियां प्रतिमा जी के लिए सब लोग बजाइए, क्योंकि वैलीपैड से लेकर के यहां तक करीब करीब 8 किलोमीटर दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं ह्यूमन वॉल था। ऐसी भीड़ के रास्ते में कि मुझे लगता था कि मेरे छोटे से स्मार्ट द्वार हम मैदान में कोई होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। मैं त्रिपुरा में अनेक बार आया लेकिन ऐसा नजारा मैं पहली बार देख रहा हूं। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, त्रिपुरा आज देश भर में परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। पिछले वर्ष जिस तरह आप सभी ने अराजकता अक्षमता भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और विकास विरोधी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंका है वो एक मिसाल बन गया। वाकई त्रिपुरा की जनता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं आज देश भर में जाकर के कह सकता हूं और विशेष करके बंगाल में जाकर के कह रहा हूं कि त्रिपुरा के लोग बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही दूरदृष्टि वाले। मैं त्रिपुरा के लोगों से बहुत प्रभावित हूं। जिस तरह यहां के लोगों ने परिवर्तन के लिए अपने राज्य के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है ये बहुत सराहनीय है। साथियों, यहां पर वर्षों से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वो भी हाथ में मार रही थी, चुनाव लड़ती थी, लेकिन कभी भी आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आपने लेफ्ट के झूठ को सहा लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो उसका आपने इंतजार किया। और जैसे ही भाई बहनों भारतीय जनता पार्टी ने आपको ताकत नजर आई आपने पूरा त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। आपने लेफ्ट को निकाल करके लाल कपड़ों वाले टीएमसी को गुजरने नहीं दिया और मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा दीर्घदृष्टि का आपने काम किया। वरना बंगाल का हाल देखो, लेफ्ट गया तो उससे भी पूरा लाल रंग टीएमसी ने ओढ़ लिया और तबाही कर दी बंगाल। भाई बहनों, आप उससे बच गए और इसलिए आपकी दीर्घदृष्टि अभिनंदन के बात है। भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार फिर सरकार का चेहरा नहीं बदला बल्कि एक मजबूत विकल्प दिया, एक मजबूत सरकार दी, एक नई सोच दी। सरकार बनाने का एक जीता जागरूक का संस्कार का हमें उदाहरण पेश किया। ऐसी सरकार भी है जो ईमानदारी से चल रही है, पारदर्शिता के साथ चल रही है, यहां की कानून व्यवस्था सुधार रही है। भाजपा ने त्रिपुरा में दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन हो सकता है।
देश को पीछे धकेलने वाली व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। और मैं तो उस समय जब चुनाव प्रचार में आया था त्रिपुरा का बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा था, चलो पहुंचाई चलो पहुंचाई। आप सभी का ये साथ ये विश्वास ही आज रात के हित में जनहित में ये चौकीदार आपके आशीर्वाद के कारण कड़े और बड़े फैसले ले पा रहा। चाहे गरीबी और बीमारी से लड़ाई हो, चाहे भ्रष्टाचार से लड़ाई हो, या फिर जवाब दोगे इतनी समझ पाते हो ना? आप बताइए, आप एक चौकीदार से खुश हैं? सबसे सब खुश हैं? कोई काम खुश है? चौकीदार को अपना काम ऐसे करना चाहिए क्या? पूरी ताकत से करना चाहिए क्या? भ्रष्टाचारियों गरीब को लूटने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए क्या? क्या आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना चाहिए? मारना चाहिए ना? सही कर रहा हूं ना? देश के दुश्मनों को कहा जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाई बहनों, जिस मंग और उत्साह के साथ जिस जोश के साथ आप जवाब दे रहे हैं, आपके इन्हीं जवाबों का परिणाम है कि आज चौकीदार के विरुद्ध सारे इकट्ठे हो गए। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर मोदी को हटाने में जुटे हैं, फिर चाहे उन्हें वैसी ही बात क्यों ना करनी पड़े जैसी पाकिस्तान बोल रहा है। ये ऐसे महामिलावटी है जो त्रिपुरा और केरल में दिखाने के लिए अलग अलग है, लेकिन दिल्ली में चौकीदार को गाली देने के लिए ये सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये दिखावे के लिए अलग अलग निकले, लेकिन भारत के टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। अगर लेख की मदद न होती, पर्दे के पीछे का कोई खेल न होता, तो कांग्रेस के नामदार केरल की तरफ क्यों जाते? भाग भाग पकड़ के केरल क्यों पहुंचते? आगे पांडिचेरी में भी तो कांग्रेस की सरकार है, साउथ में लड़ना था तो वहां से लड़ सकते थे। अरे कर्नाटक में महामिलावट वाली सरकार है, वहां से लड़ सकते थे। अरे आंध्र प्रदेश में यूथ में बाबू उनके साथ दोस्ती करके बैठे हुए हैं, अरे वहां से लड़ सकते थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरे वहां लड़ सकता था, लेकिन वो इन राज्यों में नहीं गए। वे ठीक है, वो पंजाब में नहीं लड़ सकते, उनको दिक्कत है पुराने पापों के कारण। एक तो कैप्टन साहब की अलग कहा और दूसरी तरफ 84 के सिख दंगों की आज हमें पंजाब में जीतने नहीं देती, और इसलिए लेप के साथ पर्दे के पीछे मिली भगत करके कांग्रेस के नामदार ने देश की आंख में धूल झोंकने का काम किया। साथियों, ये चौकीदार को हटाने में जुटे हैं और चौकीदार देश को आगे बढ़ाने में।